आदाब। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए सेक ए। तो हमने लिखा यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के साथ करें कि किसमें जगह है इसको पेपर में। तो यहाँ पर 15 cot a इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास गिवन है, क्योंकि हमें साइन ए निकालना है सेक ए, क्योंकि इस वक्त हम ट्रायंगल के ज़रिए इनको निकालते हैं, इन रेशियों को। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, फिलहाल ट्रायंगल एक बनाई आप, राइट ट्रायंगल, यहाँ राइट ट्रायंगल हमने बनाई। तो मैंने अभी बताया कि जो अगर एक ही एंगल होगा, क्योंकि एक ही एंगल यहाँ पर बनाना, जिस पर रेशियो निकालना है, तो उसको नीचे रखो, यानी ताकि आपको आसानी हो जाएगी, ये क्योंकि ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाला खड़ा वाला साइड। तो हम लिखेंगे लेट ए बी सी इज़ ए राइट एंगुलर ट्रायंगल एट एंगल बी, ठीक है, ये तो है। अब हमारे पास ये गिवन है, इट इज़ गिवन दैट 15 cot of a इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हम cot a का वैल्यू निकालेंगे, वो हो गया 8/15, क्योंकि आपको पता है cot किसके बराबर होता है, 10 का अपोजिट रेसिप्रोकल, 10 होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, इसलिए बेस बटा परपेंडिकुलर। अब हम उस cot को ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल cot a इज इक्वल टू ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स क्या बनेगा, क्योंकि इस वक्त एंगल इस पर है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है कि टेन होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, इसका अपो रिवर्स जो होगा वो काट होगा बेस बटा परपेंडिकुलर, वो टेन जो होगा टेन ए वो होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस क्या आएगा बी ए बटा सी ए, यहाँ आया बी ए बटा सी ए, ठीक है। तो ये भी काट ए का रेशियो है इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल, और ये गिवन रेशियो है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट लेफ्ट बराबर दोनों बराबर होंगे। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं cot a यानी बी ए बटा सी ए इज इक्वल टू 8/15 इज इक्वल टू k, क्योंकि सम रेशियो के बराबर होगा। तो ये इट इम्प्लाइज योर k इज कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, या बी ए इज इक्वल टू 8k, हम बी ए इज इक्वल टू 8k निकल गए, और यहाँ सी ए निकल गया हम 15 की। और याद रखना आपको को ये के कुछ ऐसे भी ये जो है के बगैर भी निकलता है, अगर हम के नहीं रखेंगे तो के बगैर भी क्वेश्चन निकलेगा, रेशो का जो हम रखते हैं साथ, क्योंकि ये साइड है रेशो में होता है। तो उस तरह भी अगर कोई कर रहा है तो करने दो। तो यहाँ पर हम अब सी ए निकल गया आपका, ये आया सी ए, क्या क्या आया सी ए आया यहाँ ना सॉरी ये बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर बी सी, बी सी यानी बी सी आया ये 15 की, ये हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है, क्योंकि टेन जो है था परपेंडिकुलर पर बेस, कॉट हो गए बेस बटा पर, वही मैंने लिखा बी ए बटा सी बी इज इक्वल टू 8/। अब यहाँ पर आया बी सी जो आया, सी बी जो आया वो 15 की है, बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम जो है कि हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है, वो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी ए का स्क्वायर, वो सी ए का स्क्वायर इज इक्वल बी सी हो गया, बी सी क्या हो गया 15 के का स्क्वायर प्लस बी हो गया 8 के का स्क्वायर, सुगो सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 225 के स्क्वायर प्लस 864 के स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया शाबाश 289 का के का होल स्क्वायर 289 के स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे गो सी ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 289 के स्क्वायर, 289 किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर, और के स्क्वायर तो रूट कटेगा, तो सी ए इज इक्वल पॉजिटिव हम लेंगे 17 के। तो यहाँ हम हाइपोटेन्यूस निकल गए, 17 के निकाला हमने। अब हमें रेशियो निकालना, सिंपल रेशियो साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए। अब आपके पास पता है एंगल यहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर रखना है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर है 15 के बटा 17 के, 15 के बटा 17 के
के कैंसिल हो गए 15 बाई 7 रेशो। उसके बाद क्या है सेक ए, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, हाइपोटेन्यूज बटा बेस, हाइपोटेन्यूज बटा बेस, या हाइपोटेन्यूज हो गया 17 के बटा बेस क्या आएगा शाबाश 8 के, 8 के इज इक्वल टू शाबाश 8 के। तो यहाँ पर आया 7/8 आंसर। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके थैंक यू।